आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करते चले कि चिन्योट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दोहरे कत्ल का मामला हल हो गया, सीरियल किलर गिरफ्तार। हम आपको बड़ा रास से चलते हैं चिन्योट में, जहां पर डीएसपी मजर अहमद गोंदल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें असद नामी बंदा है चक जुमरे का, उसने इतला दी थाना सिटी में आकर कि मेरा बाप लियाकत आया था चिन्योट, जो घर वापस नहीं गया, तो उसकी इतला पर थाना सिटी में अगवा का मुकदमा नामलूम अफसाद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। तो उसके बाद जनाब डीपीओ साहब बिलाल इफ्तिखार साहब की हदायत पर खसूसी टीम मेरी निगरानी में एसएचओ थाना सिटी इजाज इमरान की क्यादत में तश्कील दे दी गई। तो इजाज इमरान एसएचओ थाना सिटी ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके इस मुकदमे का मुल्जम तौसीफ नामी को तेज किया और उसको 25 तारीख को गिरफ्तार कर दिया। और उसकी फिर निशानदेही पे ये जुमरा सेम पुल के नीचे से वो लियाकत नामी जो अगवा हुआ था उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली। तो उसने बताया कि ये मेरे पास आता जाता था, मैं इधर बाईपास पे रहता था, तो लियाकत मेरे पास आता था तो इसके पास मोटरसाइकिल था और पैसे थे, मैंने उसके लालच में इसको कत्ल किया। तो फिर वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है और डेड बॉडी भी बरामद हो गई। तो मजीद इसकी तफ्तीश जब आगे चली तो पता चला कि इसने मिल्लट टाउन फैसलाबाद से एक अब्दुल्ला नामी शख्स को रक्षे समेत ये चिन्योट ले आया था, तो उसको भी इसने कत्ल कर दिया था रक्षे के लालच में और उसके पास पैसे भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रक्षा भी बरामद हो चुका है और दोहरे कत्ल का भी इंकशाफ हो चुका है। तो तफ्तीश जारी है और आला कत्ल जो है वो पिस्टल है, तो वो पिस्टल भी मुल्जम से बरामद हो चुका है। मजीद तफ्तीश जारी है। थैंक यू।